ये है नेनुआ, इसको कि इंग्लिश में स्पंज गॉड भी बोलते हैं। ये है प्याज, ये है टमाटर और ये है धनिया पत्ता। आज जो मैं ये सब्जी लेके आई हूँ ये ऑयल फ्री है। ये नेनुआ बहुत ही लाभदायक होता है, इसमें बहुत पानी होता है, स्पेशली इसमें विटामिन सी भी होता है, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो आज ऑयल फ्री सब्जी है, तो जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, उन सब में ये हेल्प करेगा। तो इसको मैं सबसे पहले छील लूँगी, नेनुआ को छील लूँगी, अब प्याज को छील लूँगी। नेनुआ को कई जगह गलगल तोरी भी कहते हैं, यूपी में नेनुआ कहते हैं और इंग्लिश में स्पंज गॉड कहते हैं। ये देखिए मैंने बढ़िया से छील लिया है सभी को, धनिया पत्ता को भी अच्छे से छांट के मैंने धो लिया है। अब मैं इसको काट के और कढ़ाई में इन सभी चीज़ों को डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है, इसे मैंने नमक, हल्दी, 4 दाने काली मिर्च और 2 स्टिक मैंने सिनेमन के डाले। ये देखिए धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, इसे मैंने तेल नहीं डाला है बिल्कुल भी, और इसको एकदम स्लो आंच पे पकने देंगे। तो चलिए देखते हैं कि 5 मिनट बाद हमारी सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए धीरे धीरे सब्जी में पानी अभी छोड़ना शुरू किया है, मैंने ये हल्का सा इसको मैश कर दिया है ताकि ये अच्छे से थिक ग्रेवी जैसा दिखेगा। बिल्कुल भी तेल नहीं है, बहुत ही यूज़फुल है। जो कोरोना से अभी अभी उभरे हैं जो पेशेंट्स, उनको ये बहुत हेल्प करेगा। मैंने पहले भी कहा कि इसमें विटामिन सी होता है। इसको अब हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट 5 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है हमारी सब्जी का। ये देखिए पानी छोड़ रहा है, ये कितनी सुंदर लग रही है ये काली मिर्च दो इसमें, इससे टेस्ट और एनहेंस हो जाता है काली मिर्च और दालचीनी से। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इस सब्जी को ज़रूर से ट्राई करें। ये देखिए मैंने हल्का हल्का इसको मैश कर दिया है, ये अभी और 5 से 7 मिनट टाइम लेगा पकने में। देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया, देखिए प्याज भी पकना शुरू हो गया। नेनुआ में इतना पानी होता है कि सब कुछ अपने आप ही पकना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है लास्ट 5 मिनट्स में। बहुत ही इसमें भाप हो गया है, वेपर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए केयरफुली आप इसको ढक्कन हटाइएगा। ये देखिए सब्जी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये वाली रेसिपी डालें, ये वाली रेसिपी बहुत हेल्प करेगी। ये देखिए मैंने बचा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है, कितनी कलरफुल ये सब्जी लग रही है। देखिए लास्ट में मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और एनहांस हो जाता है, और ये दोनों मिलके कोविड में बहुत काम करती है ये सब्जी। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।